हे व्हाट इज अ ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी जस्ट पोको F1 में MIUI का नया अपडेट आया है, 10 point something, मुझे वर्जन याद नहीं, बट स्टेबल अपडेट आया है नया। और जैसे ही अपडेट आया है, उस अपडेट के आने के बाद यहां पर जो हमारा गूगल कैमरा है उसका जो मॉड है वो पोको F1 पर बहुत अच्छे से काम करने लग गया है। और हालांकि ये काम करने लग गया है तो मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि स्टॉक कैमरा और गूगल कैमरा के ऊपर यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन दिखाऊं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस वाले अपडेट में सिर्फ कैमरा के ऊपर अपडेट आया है, और कैमरा पे नाइट मोड और सुपर स्लो मोशन यानी 960 FPS पे हमें स्लो मोशन दिया गया है। तो क्या गूगल कैमरा अपने जो शाओमी का कैमरा है उससे बेटर परफॉर्म कर पाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो पहले मैं अपना वीडियो दिखाने वाला हूं गूगल कैमरा से, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा स्टॉक कैमरा से। तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि स्टेबल किस में है, स्टेबिलिटी किस में है। तो चलिए देखते हैं वीडियो सैंपल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल कैमरा से जो फुटेज आ रही है वो बहुत ज़्यादा शेकी है, और गूगल कैमरा से वीडियो और स्टेबलाइजेशन में जो हमें टेक्नोलॉजी दी गई है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहीं MI कैमरा से जो वीडियो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि EIS जो टेक्नोलॉजी दी है MI ने वो ये पूरा कैमरा इस्तेमाल कर रहा है। सो गाइज, ये है फ्रंट मोड MI कैमरे का। तो अभी मैं इस कैमरे को लेकर भागने वाला हूँ और फिर देखते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी आती है। तो अभी कितना स्टेबिलिटी है मुझे पता नहीं, ये तो मैं आपको वीडियो देखने के बाद ही बता पाऊंगा। अब करते हैं गूगल कैमरे से। सो गाइज, अब है हम गूगल कैमरे से, फ्रंट कैमरा यहाँ पर ऑन कर रखा है मैंने। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा भागने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है। तो ठीक है, सो ये था गूगल कैमरे से। देख के बताऊंगा आपको, जब वीडियो एडिट कर रहा होगा तब मेरे को पता लगेगा कि किसमें कितनी स्टेबिलिटी थी। तो आपने स्टेबिलिटी वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा और आपको पता है कि विनर कौन है। सो अब मैं आपको बताऊंगा सुपर स्लो मोशन जो गूगल कैमरा से है, और उसके बाद अपना MI के स्टॉक कैमरा से भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक बात लगी कि जो 960 FPS वाला है वो आप ओनली 3 सेकंड के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से, अगर कोई भी स्लो मोशन पार्ट आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मान लें आपने कॉइन को टॉस किया, तो 3 सेकंड के अंदर जो उसका लास्ट वाला क्वार्टर है उसी वक्त स्लो मोशन होगा। तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना होगा, और ऐसा गूगल कैमरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में गूगल कैमरा में आपको वॉइस भी देखने को मिलती है स्लो मोशन पे, तो और नॉर्मल कैमरे में आप देख रहे हैं MI के में तो वॉइस वहां से चली जाती है, हालांकि वहां पे AI के मदद से आप कोई वॉइस इंक्लूड कर सकते हैं। तो देख लीजिए वो वाले सैंपल्स भी। तो ये तो हो गए हमारे वीडियो और स्लो मोशन की बात। अब बात करते हैं नाइट मोड जो आया है। जैसे मैं बात करूं आपको कि MIUI के जो नाइट मोड है, दोस्तों मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस नाम के हिसाब से दे दिया है, नाम मात्र है MIUI का नाइट मोड। बट जो गूगल कैमरा का नाइट मोड है भाई साहब, बहुत अच्छा है, मतलब ये इस कैमरे के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स के सैम्पल्स मिलेंगे, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि गूगल कैमरा इतना अच्छा काम करने वाला है। तो अभी आप सैंपल्स देखो और फिर कमेंट्स में लिखो कि आपको कौन सा सही लगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जब मैंने इमेज ली थी ये शाम के 7 बजे ली थी, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट गूगल ने बहुत अच्छी पिक्चर ली है, पीछे के बैकग्राउंड को भी अच्छा रखा है। दूसरे इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जब मैंने इमेज ली थी भाई साहब बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इस वक्त 7:30 बज रही थी, जैसा कि आप दूसरी इमेजेस में देखेंगे अभी। तो ये देखो, ये है MI कैमरे का नाइट मोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है गूगल के कैमरे से।
और ये वाली पिक्चर भी MI के नाइट कैम से ली गई है। तो आपने देखा कितना डिफरेंस है, आप साइड बाई साइड डिफरेंस आप देखो तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि कितना यहाँ पर डिफरेंस है MI के नाइट कैम और गूगल के नाइट कैम में। तो ये देखो कितना यहाँ पर डिफरेंस है, आप देख सकते हैं पिक्चर की क्लैरिटी में। ये देखो ये पिक्चर सब बयां कर देती है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि पोर्ट्रेट मोड कैसा काम करता है। तो आपको पता है पोर्ट्रेट मोड में गूगल कैमरा थोड़ा जूम इन करके पोर्ट्रेट लेता है, पर फिर भी आप पोर्ट्रेट देखो और पोर्ट्रेट को देखने के बाद देखो कि किस में एज डिटेक्शन बेटर है, तो वो मैं आपको वीडियो में बता भी रहा हूँ। तो देखो पोर्ट्रेट शॉट्स। तो यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आई है और यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है गूगल के एल्गोरिथम से बहुत सही हुआ है। और यहाँ पर जब मैं MI की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो MI ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट ब्लर लेवल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल इन ऑल दोनों इमेजेस मुझे ठीक ठाक लगी, तो यहाँ पर टाई बनता हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मुझे गूगल कैमरा थोड़ा ज़्यादा पसंद आया है स्टॉक कैमरा के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो फीचर्स है वो लाजवाब है और सेम टू सेम कैमरे से गूगल इतने अच्छे फोटोज़ ले रहा है। तो फिर MI को भी अपने कैमरे में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। नाइट मोड को मैं कहूँगा कि Xiaomi को इम्प्रूव करना चाहिए, वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए दिया गया है और फ्यूचर अपडेट्स में मुझे उम्मीद है कि नाइट मोड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, इससे और भी मोटिवेशन मिलता है यार और भी वीडियोस बनाने के लिए। और पोको F1 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो अगर आप एक पोको F1 ऑनर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस तो आने ही वाली है मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।